इस वक्त आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खेला जा रहा है। कनाडा क्रिकेट टीम और नेपाल क्रिकेट टीम के बीच कल यानी कि सोमवार को किंग सिटी के मैपल लीफ नॉर्थ वेस्ट ग्राउंड पर मुकाबला खेला गया, जिसमें नेपाल की टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबले में कनाडा ने नेपाल के खिलाफ 50 ओवरों में 253 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। आपको बता दें कि नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था और कनाडा को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। कनाडा की ओर से निकोलस कार्टन ने 44 गेंदों में नाबाद 73 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। उनकी इस पारी में 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। नवनीत धालीवाल ने भी 90 गेंदों में 48 रन बनाए, जबकि डिलन हेलिगर ने 27 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर कनाडा की टीम ने एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस के चलते नेपाल के खिलाफ एक बड़ा और मजबूत टोटल खड़ा कर दिया था। बात अगर नेपाल की गेंदबाजी की करें तो सुमपाल कामी और ललित राजवंशी ने 2-2 विकेट झटके। संदीप लामिछा ने, गुलशन झा और रोहित पौडेल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। अब नेपाल के बल्लेबाजों को जीतने के लिए 253 रनों के लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती का सामना करना था, लेकिन नेपाल की बल्लेबाजी इसमें बुरी तरह से फ्लॉप रही। नेपाल का कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा। सभी को उम्मीद थी कि नेपाल की बल्लेबाजी इस स्कोर को अचीव कर सकती है, लेकिन नेपाल के कप्तान से लेकर उनके भरोसेमंद बल्लेबाज भी सभी फ्लॉप रहे। नेपाल की टीम को इस बड़े टारगेट को चीज करने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नेपाल ने मात्र 80 रनों के स्कोर पर ही 7 विकेट गवा दिए थे, जिससे नेपाल के जीतने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद अगले 70 रन के अंदर ही नेपाल की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। नेपाल की तरफ से करण ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। इसके अलावा संदीप लामिछा ने और आसिफ शेख ने 22 और 20 रनों की पारियां खेली। इन खिलाड़ियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रनों का स्कोर भी पार नहीं कर सका। बात अगर कनाडा की गेंदबाजी की करें तो डिलन हेलिगर ने 10 ओवर में मात्र 31 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके अलावा अखिल कुमार और अंकुश पटेल ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए। साद बिन जहर ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। इन सभी गेंदबाजों की बदौलत कनाडा की टीम ने नेपाल की टीम को 150 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और एक आसान सी जीत अपने नाम दर्ज कर ली। आपको बता दें कि नेपाल का अगला मैच ओमान के खिलाफ 18 सितंबर को खेला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल की टीम अगले मैच में तगड़ी वापसी करेगी और ओमान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेगी।